नमस्कार जनता, मैं एंटरटेनर कुमार एज अर्जुन, मैं एंटरटेनर नितिन एज द्रोणाचार्य। हम लोग लेके आए हैं आज कैट 2022 स्लॉट वन से क्वांट का ये स्पेशल सवाल, सिंपल इंटरेस्ट एलेक्स सेविंग। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। सी एलेक्स सेविंग किसी टाइप की सेविंग है, किसी इंसान का नाम है? सर किसी इंसान का नाम, इंसान का नाम है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें बहुत सिंपल तरीके से सर इसको क्रैक करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यू ऑल नो सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला होता है। यस सर। बट द क्वेश्चन इज कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला? दैट इज समथिंग दैट इज मेकिंग मी क्यूरियस। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्या है। पर इसके पहले पॉज मारिए, अगर आपको खुद अटेम्प्ट करना है तो कमेंट में क्वेश्चन चिपका दिया गया, आप उसको फटाक से अटेम्प्ट कर लो। अटेम्प्ट करो, वापस वीडियो पे रिज्यूम करके इसका सॉल्यूशन देखो। चलो देखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटी बजाना नहीं भूलने का। क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पे। एलेक्स इन्वेस्टेड हिज सेविंग्स इन टू पार्ट्स, द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन द फर्स्ट पार्ट एट 15% पर एनम फॉर 4 इयर्स इज द सेम एज द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन द सेकंड पार्ट एट 12% एनम फॉर 3 इयर्स। देन द परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग्स इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट पार्ट इज, पहले तो उसकी पूरी सेविंग्स को एक क्वांटिटी मान सकते हैं ना, तो मान लिया एस एस, ठीक है ओके okay. और उसके बाद बोलता है कि सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन द फर्स्ट पार्ट एट 15% पर एनम फॉर 4 इयर्स, ठीक है। तो अब सर ये सिंपल इंटरेस्ट का कुछ तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। इंटरेस्ट इक्वल टू पीआरटी बाय 100। हां पीआरटी बाय 100। तो ये 4 साल तक एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे जो जा रहा है, 15% इंटरेस्ट रेट पे जा रहा है। टाइम भी पता है, आर भी पता है, पी नहीं पता बस, है ना। और दूसरा कहानी बोल रहा है सेम एज द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेकेंड पार्ट एट 12% इंटरेस्ट। तो इसका भी PRT by 100, लेकिन एक का P1 होगा और एक का P2 होगा। हाँ P2 होगा, बट P2 P1 का रिलेशनशिप हमें पता है, ठीक है, है ना। क्या है P1 P2 का रिलेशनशिप? P1 plus P2 is the starting amount. ठीक है, that's it. So I can say P1 into RT by 100 is equal to nothing but P2 into RT by 100. But P1 rate of interest or time period given है, क्या है? 15 और 4. यही करोगे इंटू 15 इंटू टाइम पीरियड 4/100, दैट इज इक्वल टू व्हाट? P2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू हाउ मच? 12 इंटू 3/100 कैंसिल हो गया। सो यहाँ से P1/P2 की रेशो आ जाएगी, दैट इज 12 इंटू 3/15 इंटू 4। यस सर। ओके, दैट इज व्हाट? 3 5s are 15 और 3 4 3s are 12, सो दैट इज इक्वल टू 3/5। यस ओके। So the percentage of his saving invested in the first part, बताओ total saving 3/8, तो 3/8 हो गया ना वो। Yes. So total saving अगर मेरे पास 3 + 5 = 8 है, yes, तो first part में कितना saving invest कर रहा है? 3/8, which is equal to 37.5%. Super easy, नहीं? खत्म, bye bye, टाटा, good bye, गया। Very easy. ऐसे वाले को पकड़ के बना देते हैं। You know what? Even in this question, I can solve it orally without using pen and pencil. कैसा लगा मेरा मजाक? अरे सर, अब इसमें क्या और शॉर्ट करिएगा? It's a pure logic. मतलब परसेंटेज और ये सिंपल इंटरेस्ट की बात तो हम हमेशा ही करते हैं। हाँ, isn't it? बिल्कुल। झाड़ू लगाओ पहले। झाड़ू लगाओ ये नीचे। अब यहाँ पे क्या है? Alex invested in saving in two parts. Two parts. Simple interest earned on the first part at 15% per annum for 4 years. Yes, sir. हर साल 15% का इंटरेस्ट मिलता है, बिल्कुल सही। 4 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 4 साल में 15 15 15 15 जो कि 60%। हाँ। पक्का? हाँ। ठीक है, तो आई कैन से 60% ऑफ सम अमाउंट एक्स इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेकंड पार्ट 12% पर एनम 3 ईयर। हर साल 12% 3 साल में 36, तो आई कैन से 60% ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 36% ऑफ वाई। यस सर। व्हाट इज एक्स बाई वाई? सिंपली 3/5। वाओ, अब ये 3/5 आ गया, तो फिर तो पहले में क्या हो जाएगा? 3/8, मतलब पहले में सेविंग 3 है, दूसरे में सेविंग 5, टोटल 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट की सेविंग का टोटल सेविंग का कितना परसेंटेज? 3/8, विच इज 37.5। तो वी आर एक्चुअली डूइंग सेम थिंग बट ओरली एंड इट्स वेरी इजी। या बिकॉज रिमेंबर, सिंपल इंटरेस्ट में मैंने कई बार क्लास में बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट में ये एडवांटेज है कि हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसा सोचो ना, हर साल 15 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, 4 साल में कितना मिलेगा? 60 रुपए। हर साल 12 रुपए का, हर कितना हो गया? 36। yes. तो 60% of something equal to 37.5। जय, बात तो सही है, मजा ही आ गया सर। और मैं ये जो मजा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो देखा कितना आसान था, बहुत ही सिंपल था। कभी कभी ऐसे छोटे छोटे सिंपल सिंपल लो हैंगिंग फ्रूट्स को कैच करना ज्यादा जरूरी है। तो सर जैसे कहते हैं ना कि इट्स आर्ट ऑफ लीविंग, उसी तरह से आर्ट ऑफ पिकिंग भी है। अगर ऐसे छोटे 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 शॉर्ट क्वेश्चंस को हमने पकड़ लिया और कितना सर 30 सेकंड्स, थर्टी सेकंड्स में अगर क्रैक कर लिया, और इवन 10 सेकंड से 15 सेकंड जो सर की टेक्निक से बचाई गई है वो जब एक्यूमुलेट होते 10 क्वेश्चंस में, तो याद रखना इट्स 150 सेकंड, मीनिंग तुम एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर अभी तक देख रहे हो तो इसको चुपचाप से आप ही बोल दो सर। को शेट ठोक दीजिए महाकाल का, तबाह कर लाइक और शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। नाक मुकन्ना नाक मुकन्ना नाक मुकन्ना नाक मुकन्ना नाक मुकन्ना नाक मुकन्ना।